तो इस वीडियो में ब्रिक्स यानी ईटा के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ब्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है उसके पूरे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि ईटा क्या होता है ईटा किस काम में आता है ईटा कहाँ कहाँ यूज होता है उसका साज उसका जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे ईटा जो है जनरली बिल्डिंग में काम आता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिक्स प्रॉपर्टीज ब्रिक्स आर दी थ्री डायमेंशनल मेंबर हुई इज आल्सो इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इट्स यूजुअली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वॉल तो किसी भी बिल्डिंग का वॉल जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग पार्टीशन के लिए जो है ब्रिक्स का यूज करते हैं जो बहुत ही जरूरी है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अब ब्रिक्स जो है उसका साइज जो है तीन तरह का होता है जनरली पहला स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स जिसका हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं नाइनटीन इंटू नाइन इंटू नाइन सेंटीमीटर होता है उसके बाद नोमिनल साइज होता है ट्वेंटी इंटू टेन इंटू टेन सेंटीमीटर होता है ये जो है मोटर के साथ होता है विथ मोटर उसके बाद होता है जो मोडुलर ब्रिक्स का साइज़ जो होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये जो हो गया तीनों ब्रिक्स का जो है साइज हो गया ये तीनों ब्रिक्स जो है जनरली यूज होता है अब चलते हैं आगे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स लाइक रेड ब्रिक्स फ्लाई एस ब्रिक्स डबल ए सी ब्लॉक्स तो ब्रिक्स जो है लाल ईटा भी होता है फ्लाई एस ब्रिक्स भी होता है जो आपको वीडियो में दिख रहा है उसके बाद जो है जनरली तीन तरह का ब्रिक्स जो है जनरली यूज करते हैं अभी उसके बाद जो है देखते हैं रेड ब्रिक रेड ब्रिक के बारे में थोड़ा जानकारी रेड ब्रिक्स आर जनरली कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट टू दॉइल फ्रॉम क्ले सॉइल हुई चीज़ इजीली अवेलेबल ऑन ग्राउंड ऑफ सरफेस तो रेड सॉइल जो है दोस्तों ग्राउंड के जो है मिट्टी से बनता है क्ले से बनता है उसको जो है बनाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है एक दिन उसका भी वीडियो मैं बना के दिखाने वाला हूँ आप जो क्ले ब्रिक्स है उसको जो हम लोग जनरली अभी अभी के दौर में यूज़ करते हैं उसका डायमेंसन है दो सौ पच्चीस एम एम लॉन्ग होता है चावड़ाई होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम एम यानी एक सौ पच्चीस एम एम उसके बाद ऊंचाई होता है हाइट होता है सेवन पॉइंट फाइव एम एम सॉरी पचहत्तर एम एम तो जो है ये ब्रिक का साइज मॉडुलर ब्रिक इसको ना हो गया हम लोग का ये मोडुलर ब्रिक इसको हम लोग जनरली अभी के दौर में यूज करते हैं मोडुलर ब्रिक्स वन ब्रिक्स सरफेस एरिया एक जो है ईंटा का सरफेस एरिया हो जाता है 125 सौ पच्चीस इंटू दो सौ पच्चीस जाता है अट्ठाईस हज़ार यानी एक इसका इस जो है एक सरफेस एरिया ऊपर का जो सरफेस होगा वो अट्ठाईस हज़ार होगा एरिया वन ब्रिक्स वॉल्यूम अगर इस ब्रिक का जो वॉल्यूम कैलकुलेशन किया जाए तो जीरो पॉइंट जीरो टू टू फाइव यानी सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिए जीरो पॉइंट वन टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव सबको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आ जाता है टू पॉइंट वन इंट वर्न माइनस थ्री मीटर क्यूब या फिर ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो टू वन मीटर क्यूब जो होता है एक ईट का एक ईटा का वॉल्यूम होता है ब्रिक्स क्लासिफिकेशन तो ईटा को जो है रेड ईटा को क्लासिफिकेशन किया गया है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास तीन क्लास में डिवाइड किया गया है जो सबसे मजबूत सबसे मिडिल उसके बाद लास्ट तो फर्स्ट क्लास ब्रिक डिफाइंड एज ए एल्ड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ लोड और क्रॉसिंग स्ट्रेंथ तो जो लोड कैर क्रॉसिंग स्ट्रेंथ के अनुसार जो है डिवाइड किया गया है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है 105 सौ जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्रॉसिंग स्ट्रेंथ लेता है और 12.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायेयर जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्रॉसिंग स्ट्रेंथ है सेकंड क्लास ब्रिक एज क्ला क्लासीफाई ऑन दी बेसिस ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रेंथ सेकंड क्लास ब्रिक जो है वो भी क्लासीफाई किया गया है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ के अनुसार तो उसका जो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ है सेवन टू सेवेंटी टू फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर जो होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ सेवनटी टू सेवेंटी फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ है थर्ड क्लास ब्रिक एज क्लासीफाई ऑन दी बेसिस ऑफ क्रसिंग स्ट्रेंथ थर्टी फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर थर्ड क्लास ब्रिक जो है पैंतीस के जी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर के अनुसार जो है क्रसिंग स्ट्रेंथ होता है उससे अगर कम है तो थर्ड क्लास ब्रिक नहीं हुआ तो वन फर्स्ट वन फर्स्ट क्लास ब्रिक क्रसिंग स्ट्रेंथ यानी कि एक जो मॉडुलर ब्रिक है एक मॉडुलर ब्रिक जो है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ कितना होता है उसका एरिया तो अट्ठाईस हज़ार यानी सौ पच्चीस हज़ार सात सौ पचास के जी जो है एक ईटा में क्रॉसिंग स्ट्रेंथ होता है यानी तैतीस पॉइंट सेवन टन जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ होता, होता है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ है एक ईटा का और वन मीटर क्यूब इक्वल टू तो पाँच सौ ब्रिक्स होता है तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि ईंटा क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में उसका क्लसिंग स्टैंड कितना कितना होता है अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन